तो फिर से हम देख रहे हैं कि वो जो कार्ड है वो किस तरह डिजाइन है, वो क्रिएट करके इसको न्यू फाइल लेंगे और यहाँ से फोटोज पे चले जाएंगे। यहाँ से 3x2, 2x3 पे जाएंगे, 2.2 इसकी विड्थ रखेंगे, 3.6 इसकी हाइट रखेंगे, 300 की रेजोल्यूशन में क्रिएट करेंगे। इसमें हम सिंपली पेन टूल का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से अनलॉक करेंगे इसको, पेन टूल लेंगे यहाँ से। तो पेन टूल के लिए आपको पेन टूल का ये वर्जन लेना है, फिल खत्म कर दें और यहाँ से स्ट्रोक पे ये कोई भी एक दो पिक्सल की लाइन रख दें। तो सिंपली आपने क्या करना है, इसको यहाँ से पेन टूल लेना है, ये कैनवास पर क्लिक करना है, कैनवास पर क्लिक किया, ये थोड़ा सा ऊपर लिया और फिर इसको नीचे ले गए, ये इस तरह से बन गया। ठीक है, क्या किया मैंने दोबारा देख लें, पहले मैंने इसको क्लिक किया, फिर ऐसे आया, हल्का सा यहाँ रख के इसको स्लाइटली ऊपर की तरफ ड्रैग किया, फिर इसको नीचे ले गया, थोड़ा पीछे रख के हल्का सा ड्रैग कर लें स्लाइटली ऊपर की तरफ और इसको नीचे ले जाएं इस तरह से। ठीक है, जितना खींचेंगे उतना ये कर्व क्रिएट करेगा। ऑल्टर के साथ यहाँ क्लिक कर दें। अब इसको बनाने का एक तरीका और भी है, जैसे हम क्या करें कि इसी को यहीं छोड़ के इसका एक कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट कर दें और इसको पकड़ के नीचे ले आए, डुप्लीकेट हुआ नहीं वैसे, मैं ये डिलीट कर देता हूँ उसको, कंट्रोल जे डुप्लीकेट, यार समझ रहे मेरी बात, डिजाइन में कैसा है ऐसा ही है, सही निकाला है हमने, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें मसला ये आएगा कि इसमें कलर कैसे भरोगे, प्रॉब्लम ये आ जाएगा इसमें, इलस्ट्रेटर होता तो हम इसको कर लेते। फिर क्या करो, या तो रिवर्स करो उसको, और अब ये दो अलग अलग लेयर्स पे होगा इसलिए इनको हम ज्वाइन भी शायद नहीं कर पाएंगे। पेन टूल लेते हैं, करके देखें ज्वाइन हो जाते हैं तो। ये पहले लेयर पे क्लिक करें और यहाँ से जाके क्लिक करें ऐड एंकर कर्वेचर फ्रीडम, अलग लेयर है उसके मुंह पे नहीं, तो ये वाला पैटर्न पे छोड़ दो, खुद से बनाओ फिर इसको एक ही लेयर पे, यहाँ से लेके हम इसको दोबारा से ट्राई करते हैं। ये किया हमने हल्का से क्लिक, यहाँ से क्लिक करके ऐसे किया, यहाँ ले गया नीचे। ठीक है, ऑल्टर के साथ यहाँ क्लिक किया, फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके हमने ऐसे किया से ऊपर। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका बन जाएगा, थोड़ा सा इसका शॉर्ट करना है पीरियड, तो यहाँ से आपने क्लिक करके इस तरह से बना देना है, ये जुड़ गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें कलर भर दें, शेप टूल लेके जो कलर समझ में आता है उसके अंदर भर दें। ठीक है, अब बाद में अगर इसमें कोई चेंजेस वगैरह करनी है तो ये सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने आपको बताया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल रख के आप इसमें जो चेंजेस चाहे कर सकते हैं। इसको थोड़ा ऊपर करना है या इस साइड से थोड़ा सा और इसको ऊपर करना है, या इस साइड से इसको थोड़ा पतला करना है, बारीक करना है, ऐसे करके कर सकते हैं जो भी चेंजेस आप इसको निकालना चाहें। ठीक है सर, ये आ गया आपका टूल। अब रहेगी बात इसको 3D करने की, तो भाई 3D ऐसे होगा, इसको ऊपर ले जाए। ठीक है, तो यहाँ से एक नया टूल ले लें, पैन टूल ले लें। 3D करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक यहाँ करेंगे, और कहाँ तक लेके जाना है इसको 3D करने के लिए, वहाँ पर इसको ले जाके इस तरह से। ठीक है, और फिर इसको इस तरह से, इसमें पहले एक क्लिक यहाँ कर लें ताकि इसका कर्व खत्म हो जाए, क्लिक करके फिर इस तरह से आप इसको क्रिएट करेंगे इसको, तो फिर यहाँ लाके जोड़ देंगे इसको, जुड़ तो गया वैसे ही ऊपर जाके, ये एक शेप निकल आएगा इसके ऊपर,
इस शेप में आप जो थोड़ा सा डार्क कलर भर देंगे, ये यहाँ से ये इस तरह से आपको नजर आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा छुपाने के लिए जो है ना क्या करना पड़ेगा, दो तरीके, इसको या तो इसके नीचे ले आऊं मैं इसको, ठीक है, और नीचे लाके थोड़ा सा इसको नीचे कर दूं, ये इस तरह से, ठीक है। ये देखें इस तरह से ये थ्रीडी हो जाएगा, आई समझ बात। अब उसके बाद जो नीचे वाला थ्रीडी बनाना है वो भी ऐसे ही बनेगा, उस पर भी क्लिक करेंगे, पहले एक नया शेप ऐड करेंगे और यहाँ पे रखे। अच्छा, अगर मैं इसको ऊपर रख रहा था तो ये कुछ इस तरह का इम्पैक्ट दे रहा था, ये ज्यादा बेहतर है, बस उसके इरेज मिल जाए तो ये हमारा काम ज्यादा बेहतर है। ऊपर ही रखेंगे इसको, यहाँ पे एक नया लेयर ऐड किया और यहाँ से पैन टूल लेंगे और कहाँ से 3D करना है इसको, सपोज टू बी हम इसको कह रहे हैं यहाँ से लेके पहले ये जाएगा यहाँ तक, ये आ गया यहाँ तक, थोड़ा ऊपर ले ले भले इसको, और यहाँ तक इसको हमें रखे ऐसे कर देना है, ठीक है। उसके बाद ऑल्टर के साथ क्लिक करके यहाँ पे इसको क्लिक करना है, सही है, ये यहाँ पे देखें इसका बन गया 3D, आया समझ में आया। ये देखो ना, तीन शेप कर दिए हमने इसके ना, ये एक अलग शेप हो गया, ये दो अलग शेप हो गए, तो शेप्स निकालने आपने उसके ऊपर रख के, तो इस तरह से 3D हो जाएगा। अब आएगी बात इसके कलर करेक्शंस की, तो पहले चलो कलर करेक्शन से पहले हम इसको पहले नीचे वाला हिस्सा बना लेते हैं। ये देखिए ये भी ऐसे बना हुआ है। अच्छा, इसको भी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पेन टूल लेंगे, यहाँ से एक नया लेयर लेंगे और ये कैसा है, ये ऐसे जा कैसे हो रहा है, तो यहाँ से लिया आपने, ये लिया थोड़ा ऊपर, ये ले गए थोड़ा सा और आगे, ठीक है, बस ये निकला है इसमें से, इसको क्लिक कर दें यहाँ पे ऑल्टर के साथ, नीचे ले आए इसको, यहाँ पे क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर शेप पे क्लिक करके क्लिक करें यहाँ पे, यहाँ से इसमें रेड कलर भर दें, ये बन गया आपका, इसका स्ट्रोक खत्म कर दें, स्ट्रोक की जरूरत नहीं होती इसको, ये बन गया शेप। अब इसी शेप का आपने क्या करना है, रेस्टराइज करना है इसको, तो ये बाहर वाले हिस्से खत्म हो गए, कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट करना है। अब इसमें भी यही करना है कि इसका जो नीचे वाला शेप है उसमें थोड़ा डार्क डार्क कलर डाल देते हैं ताकि उसमें थोड़ा सा डार्क आ गया, और यहाँ से उसको इस तरह कर दिया, तो नीचे वाला शेप थोड़ा सा बाहर निकालना है, बाहर आ गया, ठीक है। अब इसमें कलर इफेक्ट हमें डालने हैं, उसको उस हिसाब से हमें सेट कर देना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें कलर इफेक्ट डालेंगे, कलर इफेक्ट कैसा बना हुआ है, इसने ब्लड रेड के साथ बनाया है, तो ब्लड रेड के साथ इसने लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट, इस तरह से एक शेड इफेक्ट बनाया है इसने, और क्या किया। तो पहले हम मेन वाले ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, ये मेन ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ से क्लिक किया ब्लेंडिंग ऑप्शंस पर और यहाँ से हमने लिया ग्रेडियंट ओवरले, ये आपने कलर इफेक्ट कैसे बनाना है, ये यहाँ क्लिक किया, यहाँ से आपने एक रेड का नॉर्मल कलर लेना है, ये रेड नॉर्मल लिया आपने, और सेकेंडरी पे आपने क्लिक करके इसी रेड का नॉर्मल का डार्क लेना है, तो ये देखें नॉर्मल का डार्क हो गया, ठीक है। अब ग्रेडियंट इफेक्ट्स का बन गया लाइट टू डार्क, लाइट टू डार्क, ये इफेक्ट ऐसे ही बनाना है हमें इसके अंदर, ठीक है। अगर इसको मजीद डार्क करना है तो क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करें और इसको और नीचे ले आए तो ये और डार्क हो जाएगा, ओके कर दें, इफेक्ट बन गया। इसको देखें किस तरह से अप्लाई हो रहा है, एंगल देखें कौन सा आ रहा है, 90 डिग्री का एंगल लगाइए इसके ऊपर, तो 90 डिग्री का जब एंगल लगाएंगे तो बिल्कुल सीधा हो गया, लाइट टू डार्क हो गया, सही। अब इसमें मजीद रिवर्स करेंगे, रिवर्स हटा देंगे तो ये देखें डार्क टू लाइट हो रहा है, ठीक है, रिवर्स करूंगा तो लाइट टू डार्क हो जाएगा। उसे क्लिक करके जैसे डार्क कलर ज्यादा अगर आपको करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे तो डार्क वाले हिस्से को थोड़ा सा, डार्क वाले हिस्से को बीच से पकड़ के इस साइड को ज्यादा ले आएंगे तो लाइट कम हो जाएगा, डार्क ज्यादा हो जाएगा, सही, समझ में आ रही है बात। ये तो इस तरह से ये बनेगा इसका इफेक्ट, और स्केल लेवल आप देख रहे हैं यहाँ से, ये इस तरह का किस तरह का कितना इसका स्केल लेवल डालना है, तो 60 पे स्केल लेवल हमारा सेट है, ठीक है। और ज्यादा बढ़ाएंगे तो फिर ये पूरा कवर कर जाएगा, आप इसको हल्का कर सकते हैं, ओके। बस अब ये एक इफेक्ट बन गया, यही लेयर स्टाइल कॉपी करके आपने लेयर स्टाइल करना है, कॉपी लेयर स्टाइल, यही इस पे लगाना है पेस्ट लेयर स्टाइल, ये इस पे लगाना है पेस्ट लेयर स्टाइल, ठीक है। तो ये देखिए लाइट टू डार्क हो गया और ये लाइट टू डार्क हो गया, अब इसमें क्या कर रखा था, डार्क टू लाइट है, तो इसको थोड़ा रिवर्स करना है, यहाँ से क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे जाना है,
रिवर्स को हटाएंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ये रिवर्स को हमने हटाया यहाँ से और इसको ओके कर दिया, तो ये देखिए नॉर्मल हो गया, लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट, ये देखिए आपका 3D बन गया। सही, सेम इफेक्ट आपने पेस्ट करना है इस वाली लेयर पे जो पीछे रखी हुई है। पेस्ट लेयर स्टाइल करेंगे इसके ऊपर, पहले आगे वाली पे डालें, पहले लेयर स्टाइल डालें, ठीक है, इस पर पेस्ट लेयर स्टाइल, पेस्ट लेयर स्टाइल, पेस्ट लेयर स्टाइल इस पर डालें, फिर पेस्ट लेयर स्टाइल आप एक इस पर डाल दें, तो ये दोनों एक जैसे ही हो गए। सिर्फ इसमें ये करना है इसको रिवर्स कर देना है, तो यहाँ से रिवर्स से जाके हमें यहाँ से चेक हटा देना है, तो जैसे रिवर्स करेंगे वो इस साइड पर चला जाएगा। ये आपका बन गया दूसरा 3D स्टाइल। सही, थोड़ा ज्यादा करना है इस साइड से, तो नीचे वाले को कंट्रोल टी करके रोटेशन को थोड़ा सा आपने इस तरह से उठा देना है, तो ये साइड ज्यादा हो जाएगा और वो साइड थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, क्लिक करेंगे यहाँ से और ये आपका बन गया 3D दोनों साइड से। समझ में आई बात ये? तो इस तरह से ये बनेगा, बाकी सर्किल इमेजेस वगैरह टेक्स्ट वगैरह लिखना है। इसका दूसरा बनाना है तो दूसरा सेम ही डिजाइन तो है, इसमें अलग थोड़ी ना है। दूसरे डिजाइन के लिए आप क्या करेंगे, कैनवस के साइज को थोड़ा बढ़ा देंगे, इमेज में जाएंगे, कैनवस साइज पे क्लिक करेंगे, 2.2 है, दूसरा कार्ड भी 2.2 का होगा, बैक साइड भी इसका 3.6, हाइट तो सेम ही रहने वाली है, इसको 2.2 का 4.2 होता है, इसको आप करेंगे 6.2। यहाँ पे विड्थ पे आप जाके करेंगे इसको 6.2। किस साइड पर चाहिए आपको, राइट साइड पे चाहिए तो लेफ्ट साइड पे क्लिक करेंगे 6.2, ठीक है, ओके करेंगे, ये लीजिए इधर आ गया। हाँ, जब ये इधर आएगा तो फिर आपको थोड़ा सा इसको कवर करना पड़ेगा। अब ये कवर कैसे होगा, जो एक्स्ट्रा हिस्से हैं वो खत्म तो हो जाते, लेकिन वो हमें खत्म करने पड़ेंगे पहले। अब ये एक्स्ट्रा हिस्से खत्म ऐसे होंगे, सबको हमें रेस्टराइज करना पड़ेगा, रेस्टराइज 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 ठीक है। अब आप देखिए करके रेस्टराइजेशन सब पे कर दिया हमने, कैनवास साइज पे क्लिक करते हैं, 6.2 करते हैं, 6.2 करते हैं और ऊपर करते हैं इसको इस साइड पे, ओके करते हैं, तो अभी भी कुछ हिस्से हैं जो इसके रह गए, ठीक है, रेस्टराइज होने पे भी वो खत्म नहीं हुए क्योंकि हमने शायद इफेक्ट्स वगैरह उसको दे दिए थे। खैर, इनको काटना आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने क्या करना है, इस पूरे को आपने एक ग्रुप में डाल देना है, यहाँ से क्लिक किया, इसको बनाया आपने फ्रंट, फ्रंट बना दिया इसका, ये सारा का सारा उठा के आपने इसको फ्रंट में ही शिफ्ट कर दिया, ठीक है, फ्रंट में शिफ्ट हो गया, बैकग्राउंड के लिए अलग रखी हुई है, ठीक है। अब इसको ऐसे रखिए आप इसको, ठीक है, इसका अब आपने ये करना है, इस पर रख के यहाँ पर ये लेना है एरो, और एरो लेके इसको यहाँ से रख के ये लीजिए, ठीक है, और डिलीट का बटन दबाएंगे। अच्छा, कह रहा है कि सबको मर्ज करें फिर जाके मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसा करते हैं, इसी सिलेक्शन को कंटिन्यू रखेंगे और सिलेक्शन कंटिन्यू रखेंगे, लेयर्स डिफरेंट सेलेक्ट करते जाएंगे और डिलीट का बटन दबाते जाएंगे। तो ये हमने सिलेक्शन को कंटिन्यू रखा हुआ है, इस लेयर पे रखा हुआ है, नीचे वाली लेयर पे डिलीट, तो वो डिलीट हो गया, इस पर क्लिक किया डिलीट, तो ये डिलीट हो गया, इस पर क्लिक किया डिलीट, तो कुछ डिलीट नहीं हुआ, इस पर क्लिक किया डिलीट, कुछ डिलीट नहीं हुआ, इस पर क्लिक किया डिलीट, तो ये भी खत्म हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया काम, टास्क कंप्लीट हो गया, ये हो गया। अब क्या करेंगे, कंट्रोल जे करेंगे, इसका ग्रुप का पूरा डुप्लीकेट लेंगे, क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ से लिख रहा है। अच्छा, ये व्हाइट लेयर की, अच्छा नीचे व्हाइट लेयर इसकी हाफ ही है, इस वजह से वो ऐसा दिख रहा है, तो टेंशन नहीं है, तो यहाँ से आप इसको भी लें, क्लिक करेंगे यहाँ से, लेकिन इसके साथ हमें व्हाइट लेयर एक और चाहिए होगी, इसको फुल कर लेते हैं व्हाइट ना, ताकि हमें आइडिया रहे, तो एक और कंट्रोल जे कर लेता हूँ मैं इसके साथ डुप्लीकेट व्हाइट लेयर का, और इसको यहाँ पे ले आता हूँ इस साइड पर, ठीक है, ये इस साइड पर आ जाएगा। अब उसका जो डुप्लीकेट लिया है इसको पकड़ के जब यहाँ लाऊंगा तो ये एक साइड तो मेरी बिल्कुल बैलेंस आ जाएगी। एक मिनट, जरा सेटिंग आउट हो गई इसकी ना, शिफ्ट के साथ लेकर आता हूँ उसको, तो ये एक साइड तो बिल्कुल सेट आ जाएगी मेरी, और इसको एरो कीज की मदद से मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये तो सेट हो गया। अब ये साइड वाली जो रह गई है इसको भी ऐसे ही करेंगे, तो एक एक लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्शन को यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं अपने, तो यहाँ पर आ गए, हमने सिलेक्शन को रखा इस तरीके से, ये वरना मुझे सबको मर्ज करके करना पड़ेगा, वो मैं कर नहीं चाह रहा, तो यहाँ से डिलीट करेंगे, इस पे से जो डिलीट होना था इस पे से हो गया, जो इस पे से होना था वो इस पे से हो गया, ऊपर रहा हुआ है कुछ, ठीक है, इस पे क्लिक करके इसको डिलीट कर दिया, ये लो जी यहाँ से भी कम्प्लीट हो गया, ठीक है, तो ये इस तरह से आपका क्रिएट हो गया। इसमें से अब ये बिल्कुल फाइनेस्ट कॉपी आ गई है आपकी ना, ये वाली जो कॉपी आई है, कौन सी वाली, ये वाली फाइनेस्ट कॉपी है, तो इसको एक दफा डिलीट भी कर दें, इसको थोड़ा इनविजिबल कर दें थोड़ी देर के लिए, इसकी एक डुप्लीकेट ले लेते हैं कंट्रोल जे करके, और इसको उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा इशू तो शक के साथ,
ये लीजिए, ठीक है, ये इधर आ गया, ये इसकी बिल्कुल फाइनेस्ट कॉपी आ गई। ठीक है, अब एक को अगर आप अलग बैकग्राउंड, वैसे बैकग्राउंड दोनों का एक ही रखना चाह रहे हैं तो फिर ठीक है, बैकग्राउंड अलग लगा दें नीचे, वरना एक को इसके अंदर डाल दें तो ये इसके साथ इसके लास्ट में आ जाएगा, ठीक है, और एक को इसके अंदर डाल दें, ठीक है, तो ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। इसको भी ऐसे कर लें, थोड़ा सा आगे कर लें शिफ्ट के साथ, तो ये इसका फ्रंट, ये इसका बैक हो गया। अब इसके अंदर टेक्स्ट डाल दें तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा।